नमस्कार, मैं हूं दिनेश शुक्ला। आप देख रहे हैं HNI लाइव, हर खबर के साथ। जहां देश में इस समय कोरोना महामारी ने आतंक मचाया है, देश प्रदेश की सरकार बढ़ते कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए अनेकों उपाय कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से अंधविश्वास का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नागनागिन की कहानी से जुड़े मामले होने की बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। आप वीडियो में देख रहे हैं, कोरोना संक्रमण के खतरे को भूलकर हजारों की संख्या में उमड़ती भीड़। घटना के बारे में बताया गया कि एक आदिवासी के घर में नागिन ने डेरा डाल रखा था और उसी घर के एक लड़के के ऊपर नागिन का भाव सवार होते ही उक्त लड़का नाग की तरह हरकतें करने लगता है, जिसे देखने के लिए गांव के हजारों लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार मौके पर कुछ गुनिया तांत्रिकों को भी बुलाया गया, जिन्होंने अपने तंत्र मंत्र की ताकत से उस लड़के पर सवार नागिन के बयान भी करवाया। जिस बयान देते हुए लड़के ने बताया कि हमारा और नागिन का जन्म एक ही समय पर हुआ है, जिनका आज बुधवार को 18 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे तक हम रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएंगे। इस घटना की जानकारी पर जिला कलेक्टर ने क्या कहा, आगे देखिए पूरी खबर। जो ज्ञात हुआ है उसमें ये तथ्य सामने आया है कि एक युवक ने कुछ ऐसे दावे किए अंधविश्वास से भरे, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई। चूंकि ये कोरोना का काम कार्य चल रहा है इस समय इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उस युवक के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माजरा आजरा कुछ नहीं, अंधविश्वास था। और आज के इस विज्ञान भरे युग में कोई ये कहे कि मैं नाग हूँ, नाग का पुनर्जन्म लिया हूँ, वो नागिन है, तो ये गलत है, अफवाह फैलाई गई। और ग्रामीण है, नासमझ लोग हैं, उसको देखते हुए तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग उस नांग को बोल रहे थे, नांग का पुनर्जन्म हुआ है, नांगिन कुछ देर के बाद उसको ले जाएगी, वो अपने आप अचानक गायब हो जाएगा। तो ये घटना घटी है अनपढ़ होने के कारण, अंधविश्वास होने के कारण। अब धीरे धीरे उमरिया जिला विकसित विकास की ओर है और जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मानपुर का सजवाही जो गाँव है थोड़ा सा भी पिछड़ा है, बैकवर्ड में है, तो वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए। जबकि वहाँ के सचिव को और वहाँ के सरपंच को ये बात कहनी चाहिए कि भाई भीड़ इकट्ठी ना करो, कोरोना जैसी महामारी चल रही है और भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो भीड़ इकट्ठी हो गई के कारण क्या था, अंधविश्वास था। लोग देखने के लिए, मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँच गए ढेर सारे लोगों की संख्या में।